संत रविदास जी के बारे में आपने सुना होगा और आज जानेंगे संत रविदास जी का इतिहास और उनके चमत्कार, क्योंकि संत रविदास जी की जो जयंती आती है वो फरवरी के महीने में है, 24 फरवरी को। माघ पूर्णिमा भी उसी दिन है, तो माघ पूर्णिमा को स्नान दान के अलावा बहुत कुछ खास होता है, क्योंकि इसी दिन रविदास जी का जन्म हुआ। स्वामी रामानंद जी के शिष्य और कबीरदास जी के गुरु भाई संत श्रोमणी कवि रविदास जी भक्तिकालीन संत थे, समाज सुधारक थे। उनके उपदेश और शिक्षाओं को आज भी समाज में मार्गदर्शन के रूप में अपनाया जाता है और संत रविदास जी जयंती मनाई जाएगी। इनका नाम रविदास पड़ा, क्या इनका समाज में योगदान रहा, संत जी का नाम रविदास क्यों पड़ा, तो उस इतिहास पर हम यहां पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। वे बिना लोगों को भेदभाव किए आपस में सद्भाव और प्रेम से रहने की शिक्षा दिया करते थे। विक्रम संवत 1376 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम संतोखदास रघु और माता जी का नाम कर्मा देवी मतलब कलसा। इनकी पत्नी का नाम लोना और पुत्र का नाम था श्री विजयदास, जो बताया जाता है। संत रविदास जी का नाम कैसे पड़ा? रविदास जी के जन्म को लेकर कई मत हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। माघ पूर्णिमा पर जब रविदास जी का जन्म हुआ उस दिन रविवार था, इसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। इन्हें रैदास भी कहते हैं, रूहिदास भी कहते हैं, रोहिदास जैसे नामों से भी पुकारा जाता है और ज्यादातर इनको रैदास के नाम से जानते हैं। रविदास जी संत कैसे बने? संत रविदास जी का पूरा जीवन काल 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच का रहा है, यानी कि 1450 से 1520 जो के माना जाता है। बचपन से ही उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। बचपन में अपने दोस्तों को जीवन दिया, पानी पर पत्थर तैरा दिए, कुष्ठ रोगियों को ठीक कर दिया। तो इनके चमत्कारों के कई किस्से प्रचलित हैं। समय बीतता गया और उन्होंने अधिकांश समय भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना में लगाना शुरू किया। भगवान राम और कृष्ण की पूजा यहां पर रैदास जी करते थे, धार्मिक परंपराओं का भी पालन करते थे और उन्होंने एक संत का जो पद होता है वो प्राप्त किया। मन चंगा तो खटोटी में गंगा, संत रविदास जी का ये दोहा आज भी प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा हम कह देते हैं, और ये जो वाक्य है, ये दोहा है, ये सबकी जवान पर है। उनका कहना था कि शुद्ध मन और निष्ठा भाव के साथ काम किया जाए तो अच्छा परिणाम निकलता है। संत रविदास जी का जन्म चर्मकार कुल में हुआ था और वह जूते बनाने का कार्य किया करते थे। उन्होंने कभी जात पात में भेदभाव नहीं किया। जो भी संत या फकीर उनके दरवाजे पर जब आते थे तो पैसे तो होते नहीं थे, तो वो बिना पैसे के उनको जूते पहनाते थे और वो हर काम पूरे मन और लगन से किया करते थे, चाहे वह काम जूते पहनाने का हो या प्रभु श्री राम या कृष्ण की भक्ति का हो। तो कहने का मतलब ये है कि संत रविदास जी की जयंती पर हमको ये सीख लेनी चाहिए कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा, क्योंकि बिना भेदभाव के प्रेम से समाज में हमें
अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए और प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, या जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी भक्ति आप मन से करें। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। तो संत रविदास जी की जयंती पर ये वीडियो आप सभी तक शेयर करें, क्योंकि उनके विचारों को पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो समाज के ऐसे संत थे जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, सनातन धर्म का प्रचार किया, भेदभाव को मिटाने की कोशिश की। फिर आता हूँ नई धार्मिक और पौराणिक कहानी के साथ, तो प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।